आगरा के लोहा मंडी थाना के अंतर्गत राजा मंडी का जहाँ एक महिला से दो युवकों ने 6,000 कानों के कुंडल, हाथों की चार चूड़ियां सहित मंगलसूत्र, दो अंगूठियां तमंचे के बल पर छीन ले गए। इसकी महिला ने थाना लोहा मंडी में तहरीर दी थी। आगरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए खुलासा किया है और साथ ही दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महिला मीना गुप्ता ने आगरा पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। जैसे ही घटनाक्रम घटा उन्होंने मेरे को सूचित किया है, मैं तुरंत उनके साथ लेकर रायमंडी चौकी पहुंचा हूं। वहां से सर आपसे कांटेक्ट किया गया है और कांटेक्ट करने के बाद जैसे ही आपने कार्रवाई शुरू की है और कार्रवाई शुरू करने के 3 घंटे के अंदर ही आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया जिन लोगों, जो भी दोषी लोग थे उन लोगों को। आपकी कल मैं कॉलेज से किताब खरीदने के लिए राजा मंडी आई थी और किताब खरीद कर मैं वापस जा रही थी तो राजा मंडी चौराहे से थोड़ा सा आगे मुझे दो लड़के मिले। उन्होंने मुझे कोई पता पूछा तो मैं बताने लगी, इतने में उन्होंने एकांत में शीशा था तो उन्होंने मुझे कपड़े में कोई चीज दिखाई थी तो उन्होंने मुझे धमकाया कि तुम अपनी सारी जेवर उतार दो नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तो मैंने वो तुरंत डर के मारे दे दिए। 21 सितंबर को सायंकाल एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक महिला से उसका पर्स, मोबाइल फोन और सोने चांदी के आभूषण पुलिस द्वारा तत्काल इसमें कार्रवाई की गई और मुखबिरी के आधार पर इसमें दो अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से लूटा हुआ सामान कैश आदि बरामद है। इसके अतिरिक्त इनके पास से एक तमंचा भी बरामद है जिसका इस्तेमाल ये अपराध के लिए करते थे। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इससे पूर्व ये गाजियाबाद और मुरादाबाद में घटनाएं कर चुके थे। आगरा में अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये पहला अपराध था। इनका नाम इकबाल पुत्र आमिर पुत्र मोहम्मद मौजुद्दीन और अयूब पुत्र यासीन है। और इनको गिरफ्तार करने वाले टीम में प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र शर्मा, उपनिरीक्षक विजय सिंह, उपनिरीक्षक कुशल पाल सिंह और कांस्टेबल सुकर्म पाल सिंह और अमित कुमार थाना लोहा मंडी के शामिल हैं। ये इनका जो है महिलाओं को विशेष तौर पर शिकार बनाते हैं और इससे पूर्व गाजियाबाद और मुरादाबाद में उन्होंने कई सारी घटनाएं अंजाम दी।